हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी क्वेरी से आज हमने पिक किया है वेटलिफ्टिंग का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, वेटलिफ्टिंग के एनिमेशन में ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिससे कि हम इसे बेहतर और इफेक्टिव बना सकते हैं, आइए देखते हैं इस सेशन में। सो फ्रेंड्स, जनरली हम वेटलिफ्टिंग के एनिमेशन को फोर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रिपरेशन, सेकंड है अप्रोच, थर्ड है एक्शन और चौथा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर इस चौथे सिनेरियो के न होने से आपका जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा या कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगेगा। तो वेल फ्रेंड्स, जो पहला स्टेज प्रिपरेशन का है उसमें हम कई तरह से अपने कैरेक्टर के प्रिपरेशन को शो करते हैं। सो इस सिचुएशन में कई बार हम प्री लिफ्टिंग एक्टिविटीज भी शो करते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि मैं अगर प्री लिफ्टिंग एक्टिविटीज को क्रिएट करूंगा अपने एनिमेशन में तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर मैं प्रिपरेशन के एनिमेशन के पोर्शन में सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, जो कि है आपका कि जो हमारा कैरेक्टर है उसका उस ऑब्जेक्ट के साथ कैसा इंटरेक्शन है जिस ऑब्जेक्ट को वो पिक करने जा रहा है। यानी कई बार हम एनिमेशन में गलती करते हैं कि हम अपने एनिमेशन को बनाते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लैक करते हैं, जो कि है ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर के साथ एक रिलेशन। जब तक ये प्रॉपर नहीं होगा तब तक हमारा जो एनिमेशन है वो इफेक्टिव नहीं लगेगा। बहरहाल, इसके बाद आपने अपने जो हैंड के कंट्रोलर है उनको आईके में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा जो कंट्रोलर है वो आईके मोड में है और हमने यहाँ पर एक की लगा ली है और हमने अपने फुट के स्टांस को बाहर की तरफ रखना है ताकि जो हमारा पोस्चर है वो नेचुरल दिखे। So, इस तरह से आपका जो पोस्चर है ये काफी नेचुरल सा है। सो मैंने मोर ओवर यहाँ पर एक जेनरिक जो आपका पोज है वो क्रिएट कर लिया है। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड स्टेज की तरफ यानी प्रिपरेशन स्टेज की तरफ बढ़ता हूँ। सो इस स्टेज में फ्रेंड्स, लेट्स सपोज जो मेरा कैरेक्टर है वो अप्रोच करता है। यहाँ पे मैं 14 फ्रेम का एक एनिमेशन लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 14 फ्रेम पे की लगाता हूँ और ये अप्रोच करता है टुवर्ड्स उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिस ऑब्जेक्ट को उसे पिक करना है। सो यहाँ पर मैं एक की लगा देता हूँ अपने कैरेक्टर के पेल्विस पे और साथ ही साथ हम अपने हैंड्स को लेकर आते हैं एक पोजीशन पे जहां पर ये जो हमारा कैरेक्टर है वो इस बॉल को, इस स्टोन के बॉल को होल्ड करता है। और यहाँ पर हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स जो फिंगर्स में हमारे होने चाहिए उन्हें हम कर लेते हैं। Now, अब अगर आप देखो तो हमारा कैरेक्टर कुछ इस पोजीशन पे है कि वो लड़खड़ाकर गिर जाएगा बिकॉज उसके बॉडी का बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें अपने बॉडी के बैलेंस को सही करना है, जिसके लिए हम अपने एक जो हमारा फुट है उसको हम आगे लेकर आते हैं अपने ऑब्जेक्ट के पास। अब इसके लिए हमने इसका जो स्विवल है हमारे घुटनों का जो कंट्रोलर है उसे हम आगे कर लेते हैं और जो हमारे फुट का एनिमेशन है उसे भी हम साथ में सेटल कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक हम की लगा लेते हैं जहाँ पर ये जो पैर है, फुट है, ये अपने पैर को थोड़ा सा उठाता है। हम लेट्स सपोज यहाँ पर दिस इज द कंट्रोलर, तो यहाँ पर ये उठाता है और इस कंट्रोलर को मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ पर इस सेम प्लेस पे इसे वो रख देता है। सॉरी, यहाँ पर ये 21 ही होगा
और यहाँ पर ये जीरो हो जाए, इवन यहाँ पर ये थोड़ा और कम होगा, और इस पोजीशन पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ और हल्का सा कुछ इस तरह से करता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं अपने जिस तरह से मैंने अपने पैर को सेट किया है ठीक उसी तरह से मैं अपने कमर को भी थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मोशन ट्रेल ऑन कर लेता हूँ, उससे जो हमारा आर्क है ये प्रॉपर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक क्लीन आर्क क्रिएट कर लिया है, और फिर हम अपने मोशन ट्रेल को डिलीट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने जो कंट्रोलर्स हैं, जो हमारे बॉडी के जो टॉर्सो के कंट्रोलर्स हैं, उन्हें भी हम कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। देन हम अपने फेस को सेटल करते हैं, क्योंकि सबसे वियर्ड जो है वो आपका फेस ही स्टेज पे लग रहा है। सो जहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर लिफ्ट कर रहे हैं, सो हमारा फेस अकॉर्डिंगली ऐसे पोजीशन पे आ जाए, ताकि जो मैक्सिमम फोर्स का इफेक्ट है वो पूरी तरह से इस जो हमारे बॉडी का जेस्चर है उसमें आ सके। इसके बाद हम अपने हैंड्स को सेटल करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हैंड को कुछ इस तरह से लेकर जाते हैं, और साथ में एक बेसिक प्रैक्टिस जिसको हम हमेशा से करते आए हैं, ये है हम अपने एडिटेबल मोशन ट्रेल से अपने जो हैंड्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से आर्क मोड को चेक कर लें, ताकि आपके हैंड में यहाँ पर गलतियों की गुंजाइश ना हो। तो आइए हम अपने लेफ्ट आर्म पर भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे आप एक अच्छा सा आर्क देख सकते हैं। सो थ्रू आउट इसी तरह से आप अपने प्रिपरेशन का जो एनिमेशन है, जो कि मैंने आपको कहा कि वेट लिफ्टिंग का जो सेकंड जो स्टेज है वो प्रिपरेशन है, तो यहाँ प्रिपरेशन का एनिमेशन हमने बना लिया है। अगेन यहाँ पर मैंने कोई भी जो एडिशनल एसेट्स हैं या एडिशनल एक्सटेंशन है, इवन टेल का भी कोई मूवमेंट मैंने नहीं किया है, मैंने जस्ट यहाँ पर सिर्फ बॉडी मैकेनिक किस तरह से वर्क करता है उसको बता दिया है आपको। अब हम आते हैं अपनी लिफ्टिंग की तरफ। सो लिफ्टिंग के पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लिंक करते हैं अपने हैंड के साथ, तो इसके लिए आपने सेलेक्ट करना है अपने हैंड के कंट्रोलर को और साथ ही अपने ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर एनिमेशन में कॉन्स्टेंट में जाकर पेरेंट कॉन्स्टेंट पर क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लेंड पेरेंट 1 है, यानी अगर मैं यहाँ पर आप गौर फरमाओ तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे जो एक्शन के साथ मूव कर रहा है। अभी हमने करना क्या है कि हमने यहाँ तक जो हमारा ब्लेंड पेरेंट है उसे 0 कर लेना है, और 17 पे जाकर हमने इसे 1 कर लेना है, यानी फर्दर एक्शंस के साथ साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हो जाए हमारे कंट्रोलर के साथ। नाउ अब हम यहाँ पर अराउंड 10 फ्रेम या 12 फ्रेम तक अपने ऑब्जेक्ट को पिक कराने का एनिमेशन क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम अपने टॉर्सो को थोड़ा सा नीचे लेकर जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका जो सेकेंड जो लेफ्ट लेग है जिसको हमने टच नहीं किया था, उसका जो स्विवल है वो आगे नहीं था, बहरहाल हमने उसे सेटल कर लिया है। अब हमने जैसे ही हम यहाँ पर उसे नीचे लेकर गए तो हमारे बॉडी का पोस्चर ग्रेजुअली बदल जाएगा, जो हमारा पेल्विस है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ लीन कर जाएगी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका बॉडी है वो पूरी तरह से एक्शन के मोड में यानी हमारे थर्ड स्टेज में आ चुका है, और साथ ही साथ जो हमारा टॉर्सो वाला पोर्शन है वो पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेट हो जाएगा। और
और अगर आप चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आकर अपने आईब्रोज में थोड़ा सा टेंशन ला सकते हैं। अब बिल्कुल 28 तक ही हमारे हैंड का जो पोस्चर्स है वो अपने नॉर्मल मोड में है। यहाँ पर आपका मिडिल फिंगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया था, इसे मैंने अभी यहाँ पर सेटल कर लिया है। बहरहाल हम अपने लेफ्ट हैंड के कंट्रोलर में भी थोड़ा सा और प्रिपरेशन डाल देते हैं और साथ में यहाँ पर अराउंड 40 फ्रेम तक में हम अपने टॉर्सो को पिक करते हैं और वाई पोजीशन पे बैक की तरफ ले आते हैं। अब इस बॉल को पकड़ने के बाद जो टोटल वेट ऑफ द अपर बॉडी प्लस बॉल के वेट के साथ जो टोटल वेट है उसको ही हमारे पैरों ने एडजस्ट करना है। तो इस वजह से क्या है कि हमने यहाँ पर इस चीज को कुछ इस तरह से कर लिया है। अब अगेन यहाँ पर आप बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, उसकी जगह आपने क्या करना है कि आपने आर्क फॉर्म में अपने जो पेल्विस है उसको लेकर आना है। ये देखिए आर्क फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके साथ साथ आपको सबसे पहले क्या चीज सेट करनी है वो है आपका शोल्डर। तो अभी तक हमने शोल्डर का एनिमेशन नहीं किया था। आफ्टर 26 जब हमने अपने बॉडी को ड्रैग किया तो आप 30 फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल स्ट्रेच में आ गया है। 32 तक हम अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं ताकि जो ड्रैग का सिनेरियो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने देखिए ड्रैग का जो फ्लो है वो पूरी तरह से डाल दिया है और साथ में हम अपने आर्म के जो कंट्रोलर्स हैं उनको इतना लेकर आएंगे कि थोड़ा सा वो स्ट्रेच हो जाए। ये स्ट्रेच खत्म नहीं होना चाहिए और साथ ही इसके साथ साथ ये कुछ इस तरह से आए। अब यहाँ पर आपका जो शोल्डर है वो कुछ इस तरह से होगा कि इसमें पूरी तरह से स्ट्रेच आ जाए, इसका टेंशन कहीं भी खत्म नहीं होना चाहिए और जो थ्रू आउट आपका वेट है वो बॉडी से दूर भी नहीं जाना चाहिए। आइए हम अपने लेफ्ट आर्म को भी सेटल कर लेते हैं। आप यहां पर चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने लेफ्ट आर्म को भी राइट आर्म के साथ लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा नेक है वो कुछ नीचे आ जाएगा। अगेन आप अपने हैंड के ट्रेल को चेक कर लीजिए। सो दिस इज ओके। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ला सकते हैं। सिमिलर तरीके से आप अपने लेफ्ट आर्म के भी कंट्रोलर के जो ट्रेल है उसको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा नीचे कर लिया। अब ये जो रोटेशन है हमारे हैंड का इसे हमने एडजस्ट करना है अपने ग्राफ एडिटर में। ये रोटेशन आपका एक्स रोटेशन है और ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा कम होगा, सिर्फ उतना कि आपके ऑब्जेक्ट में एक हल्का सा फ्लो आए कि हमने एक वेटेड ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया है। जैसे अब अगर हमने इसको कम कर लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से आया है और साथ ही साथ
हमने इसके टॉर्सो को यहाँ पर थोड़ा सा बैक साइड में ड्रैग करना है ताकि अगेन वो जो स्ट्रेच है बॉडी का वो आपको मिल जाए। और अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेज में, जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था, जिसके बगैर ये एनिमेशन अधूरा है, वो है सेटलमेंट का एनिमेशन। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जब किसी वेट को हम एडजस्ट करते हैं तो फाइनली उसी वेट के साथ साथ हम उस वेट को किस तरह से अपने बॉडी में होल्ड करें इसे भी एडजस्ट करते हैं। सो इसके लिए हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपने बॉडी के साथ साथ अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से ले जाएं, और हमने जस्ट इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि आपका जो टेंशन है वो भी कम ना हो और साथ ही आपका जो ऑब्जेक्ट पे ग्रिप है वो भी रियलिस्टिक लगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम अपने लेग को पीछे ले जाने का थोड़ा सा एनिमेशन करते हैं, और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये पैर बहुत ज्यादा नहीं उठेगा, ये बहुत हल्का उठेगा ताकि जो सेटलमेंट है वो हो सके। और इतना करने के बाद एक हल्की सी कुशनिंग हम अपने एनिमेशन को देते हैं ताकि जो हमारा फाइनल एडजस्टमेंट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और यहाँ कुछ 8 फ्रेम की हम एक हल्की सी कुशनिंग अपने एनिमेशन को देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि वेट ज्यादा है, आपने इसको बहुत ज्यादा इजी नहीं कर देना है, सिर्फ इतना करना है कि ये सेटलिंग थोड़ा सा लगे। अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर पुश को बढ़ा लेते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को पिक कर सकते हैं। आप इस तरह से जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट हो, आप जब हम पिक कर रहे हैं तो ग्रेजुअली इस तरह से कितना उसे बॉडी के पास रखना है, कितना एडजस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है, अगर आप इससे कुछ सीख पाए हैं, तो प्लीज लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो हमेशा की तरह आप कमेंट के माध्यम से हमें उसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें, अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।